कैसे हो, आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज की इस नया वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का सीएन ब्लू वाला इफेक्ट, वो भी जस्ट 3 स्टेप में स्नैपशीट की मदद से। समझ रहे हो ना गाइस, मतलब इतना अच्छा एडिटिंग भी स्नैपशीट की मदद से होता है। तो आप लोग भी अगर करना चाहते हो कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा कि आप लोग कैसे कर सकते हो कुछ इस टाइप का एडिटिंग। एंड आप लोग अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम के अंदर जाके फॉलो नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो यार, मतलब इतना अच्छे अच्छे पोस्ट करता हूं मैं वहां पर, एंड जो भी सर अपडेट होता है वीडियोस के बारे में एंड फोटोज के बारे में वहीं पर देता हूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इंस्टा का लिंक है, जाके फॉलो जरूर से कर लेना। एंड आप लोगों में से अगर कोई मतलब नया हो भाई चैनल के अंदर, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ऐसा एडिटिंग एडिटिंग वीडियो इस चैनल पर अब मैं अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, स्नैपशीट के अंदर फोटो को ओपन कर लेना है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं ओपन कर लिया हूँ। एंड ओपन करने के बाद आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जो करना है, आप लोगों को लाइट एडजस्टमेंट करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा फोटो है थोड़ा सा डार्कनेस है, तो आप लोगों का भी ऐसा है तो आप लोग पहले लाइट एडजस्टमेंट कर लो। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा यहाँ पर पेन बेल आइकन के अंदर, एंड यहाँ पर ट्यून इमेज में जाऊँगा सिंपली। एंड यहाँ पर जो ब्राइटनेस है थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा यहाँ पर, लगभग यहाँ पर मैं 30 तक रख रहा हूँ। एंड आप लोग अपने मुताबिक से रख लेना। एंड यहाँ पर मैं सिंपली डन कर देता हूँ। डन करने के बाद फिर से यहाँ पर मैं जाऊँगा पेन बेल आइकन के अंदर एंड ट्यून इमेज में जाऊँगा। एंड यहाँ पर ट्यून इमेज में आने के बाद ऊपर आप लोगों को स्वाइप करना है कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर गाइस आप लोगों को मिलता है सैचुरेशन, ठीक है, इसको फुल एकदम डिक्रीज कर देना है -100। एंड यहाँ पर सिंपली आप लोगों को डन कर देना है। डन करने के बाद आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है यहाँ पर, और आप लोगों को व्यू रेट पर जाना है एंड ट्यून इमेज में क्लिक करना है एंड ब्रश बेल आइकन के अंदर आ जाना है। एंड यहाँ पर सिंपली आप लोगों को एक बार इन्वर्ट कर देना है। एंड आप लोग मेक श्योर यहाँ पर जो ओपासिटी है 0 रखना। एंड जहाँ पर मतलब आप लोगों को कलरिंग चाहिए वहाँ पर आप लोग सिंपली आप कुछ इस तरीके से इरेज कर लो। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इरेज कर लेता हूँ। जैसे कि देख सकते हो गलती से यहाँ पर ज़्यादा ही सही रेज हो गया, तो इसको आप लोगों को सिंपली अनडू करने के लिए यहाँ पर ओपासिटी यहाँ पर +100 मतलब यहाँ पर 100 कर देना है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेंट कर देना है, तो ये चला जाएगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं कर लिया हूँ, एंड आप लोग भी कर लेना है। एंड यहाँ पर सिंपली डन कर देना। डन करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना। बैक आने के बाद आप लोगों को सिंपली जाना पड़ेगा अब यहाँ पर फिर से पेन आइकन के अंदर, और अभी आप लोगों को आना होगा यहाँ पर क्रॉप वाला ऑप्शन के अंदर। एंड यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को सिंपली क्लिक करना होगा इस ऑप्शन के अंदर। एंड आप लोगों को सिंपली यहाँ से रेड चूज कर लेना है। एंड रेड चूज करने के बाद जो रेड है गाइस इसको पकड़ के पूरा यहाँ पे माइनस मतलब नीचे की तरफ लेकर आना है, ठीक है। एंड यहाँ पर सिंपली डन कर देना है। डन करने के बाद आप लोगों को सिंपली फिर से वही ऑप्शन पर क्लिक करना है, व्यू एडिट करना है एंड यहाँ पर कर्व्स के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली आ जाना है पेन बेल आइकन के अंदर, और यहाँ पर सिंपली आप लोगों को इन्वर्ट कर देना है। एंड आप लोग मेक श्योर कि इसको 0 रख दो यहाँ पर। 0 रखने के बाद आप लोग फिर से सेम गाइस तरीका आप लोग सिंपली आप लोग कुछ इस तरीके से इरेज कर लो, ठीक है। और एक बात गाइस, जब फर्स्ट टाइम पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट किया था तब फेस हैंड एंड लेग्स को इरेज किया था, लेकिन अभी आप लोगों को पूरा बॉडी इरेज करना है विथ फेस के साथ, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं कर रहा हूँ। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैं पूरा इरेज कर लिया हूँ। एंड अभी यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंपली डन कर देना है। डन करने के बाद सिंपली बैक आ जाना है, और यहाँ पर जैसे कि गाइस देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर बढ़िया लग रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड भी बहुत मस्त लग रहा है। लेकिन देख सकते हो गाइस जो मेरा बॉडी है उसके साथ बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा है, मतलब बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं कर रहा है फोटो। तो इसके लिए क्या करना है, मैच करने के लिए आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है पेन वाले आइकन के अंदर, और सिंपली आना है क्रॉप वाले टूल के अंदर, और आप लोगों को इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड आप लोगों को यहाँ पर चूज कर लेना है ब्लू, ठीक है। एंड यहाँ पर चूज करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों को इफेक्ट डालना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो गाइस मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, और अभी आप लोगों को सिंपली फिर से यहाँ पर क्लिक करना है और अब चूज कर लेना है रेड वाला, और थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को नीचे की तरफ ले आना है। एंड यहाँ पर आप लोगों को सिंपली कर देना होगा डन। अभी देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड के साथ जो है बॉडी और जो फेस है मैच कर रहा है, और यहाँ पर एक दिक्कत हो रहा है जो मेरा फेस है थोड़ा सा कम व्हाइट है, ठीक है, मतलब डार्क लग रहा है। तो यहाँ पर सिंपली व्हाइट करूँगा फेस को, तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली पेन आइकन के अंदर आना है एंड सिलेक्टिव वाला टूल, ठीक है। एंड यहाँ से मैं सिंपली इसको व्हाइट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। एंड आप लोगों को अगर पता नहीं है कि स्नैपशीट का सिलेक्टिव वाला टूल कैसे यूज़ करते हैं, तो प्रीवियस वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैं फेस को व्हाइट कर लिया हूँ। एंड यहाँ पर सिंपली कर दूंगा डन, और अभी देख सकते हो फेस यहाँ पर व्हाइट हो गया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है दिखने में, ये भी ठीक है। अभी आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पर पेन आइकन के अंदर आना है एंड आप लोगों को सिंपली यहाँ पर डबल एक्सपोजर पर जाना है। यहां से आप लोगों को एक PNG ऐड करना होगा, और उस PNG का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप लोग सिंपली वहां से डाउनलोड कर लेना। तो यहां से मैं ऐड कर लेता हूं।
सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैं ऐड कर लिया हूँ एंड इसको जो है कुछ इस तरीके से आप लोगों को सेट कर लेना होगा यहाँ पर, और सेट करने के बाद इसको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है एंड इसको जो है ऐड कर लेना है, ठीक है, मतलब ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देख सकते हो गाइस अभी ब्राइट हो गया है, ठीक है, एंड यहाँ पर आना है सिंपली इसका ओपोसिटी हल्का सा मैं कम रखूंगा क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, और यहाँ पर सिंपली कर दूंगा डन। और जो यहाँ पर फेस के ऊपर आ रहा है उसको हटाने के लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ पर आना है फिर से एंड व्यू एडिट, और यहाँ पर आप लोगों को डबल एक्सपोजर पर आना है एंड पेन बेल आइकन के अंदर आना है एंड यहाँ पर इन्वर्ट कर देना है एंड यहाँ पर मेक श्योर यहाँ पर जीरो रखना है इसको, ठीक है, एंड यहाँ पर जो फेस के ऊपर आ रहा है कुछ इस तरीके से अब हटा दूंगा कुछ इस तरीके से। तो गाइज ये है स्नोफॉल का पीएनजी, आप लोगों का मर्जी है, डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, अभी तो विंटर का सीजन चल रहा है तो इसलिए मैं डाल दिया, अच्छा लग रहा था, एंड ये आप लोग डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, सिंपल से वेट कर सकते हो, यहाँ से सिंपली डन करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। सो गाइस देख सकते हो फोटो तो यहाँ पर बढ़िया लग रहा है दिखने में अब, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कमी लग रहा है विग्नेट का, ठीक है, तो यहाँ पर विग्नेट डालूंगा तो सिंपली आप लोगों को आना है इस ऑप्शन पर एंड यहाँ पर विंटेज वाला ऑप्शन पर आऊंगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर विग्नेट डालूंगा तो अच्छा लगेगा दिखने में। तो यहाँ से देख सकते हो गाइस यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा फिल्टर मिल जाता है, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो जो मैच हो रहा है आपके फोटो के साथ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये ड्रैग वाला यूज़ कर लेता हूँ, अच्छा लग रहा है, एंड इसका यहाँ पर ओपासिटी वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आके सिंपली हल्का सा कम कर दूँ, यहाँ से मैं 8 तक रख रहा हूँ एंड जो यहाँ पर विग्नेट है गाइस यहाँ पर इसको भी हल्का सा कम कर लेते हैं, यहाँ पर लगभग 18 तक रखता हूँ, ठीक है, एंड कर दूंगा डन। डन करने के बाद गाइस देख सकते हो फोटो एकदम बढ़िया तरीके से बन गया है, पूरा फोटो एकदम कंप्लीट हो गया अभी, एंड आप लोगों को मैं अगर दिखा देता हूँ एक बार बिफोर वाला, ये देख सकते हो गाइस बिफोर वाला कैसा था एंड ये देख सकते हो आफ्टर वाला, तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट्स जरूर करना भाई, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, एंड चैनल के अंदर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसा नया नया वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।